हेलो फ्रेंड्स, सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राज सरकारी जॉब 24 में। फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में बात करने वाले हैं पीटीटी काउंसलिंग 2022 के बारे में, जो कि काउंसलिंग प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है और रिपोर्टिंग का जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 ईयर्स वाले जो कैंडिडेट हैं इसके यहाँ पर जो कट ऑफ है कितनी रहने रही है, यानी कि फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबरों पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, इनकी कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, सभी की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जनरल OBC ST SC EWS ठीक है MBC सभी कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं, और यहाँ पर आपको जो होम डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पर होम जिले पर कितने नंबर वालों को यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपकी जो सेकेंड लिस्ट है, सेकेंड लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गया है उनको बहुत बड़ी बधाई हो, लेकिन जिनको यहाँ पर कॉलेज नहीं मिला है वो इंतजार कर रहे थे सेकंड लिस्ट का। ठीक है, सेकंड लिस्ट में कितने नंबर होने पर आप यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, इसकी सेकंड लिस्ट यहाँ सेकंड लिस्ट की कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, और साथ में सेकंड लिस्ट कब आएगी इनके बारे में भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, पेशेंस बनाकर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिल पाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर जो मेरे साथ यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर जो अपनी डिटेल्स यहाँ पर शेयर की हैं, जैसे नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर थे 246 साइंस से BSc बीएड होम टाउन मिल चुका है, यानी कि साइंस से BSc में कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 346 में, जो कि फ्रेंड ये ST कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, इसको यहाँ पर ST या फिर SC कैटेगरी को यहाँ पर 300 से लेकर, ठीक है, 300 से लेकर 350 के बीच में जिसके नंबर हैं उसको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बोला गया है कि 310 से BSc बीएड होम टाउन यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स BSc, ठीक है, BSc ये ST के डिग्री से बिलोंग करता है तो इसको यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, कम चांस है होम डिस्ट्रिक्ट में 310 में, लेकिन इन्होंने यहाँ बोला है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर से 360 होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल चुका है 100%। ठीक है, ST में मिल चुका है इनको। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं BSc बीएड 4 ईयर्स में 206 पर मिल जाएगी कि MPC से हो। ठीक है, यदि अधिक कॉलेज भरेंगे तो हो सकता है कि आपको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, बाकी के चांस कम है। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर BA BEd गर्ल्स 321 में फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, 321 में है BA BEd में, आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो कि फ्रेंड्स फर्स्ट चॉइस में इसको कॉलेज मिल चुकी है। ये अगर OBC से हैं तो OBC से में भी इनको फर्स्ट चॉइस मिले होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है BA BEd ST से 319 पर सेकंड लिस्ट में मिल जाएगा क्या भरतपुर से। ठीक है, मिल गया भरतपुर से। ठीक है, बिल्कुल, आपको यहाँ पर 319 में ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनको यहाँ पर कॉलेज मिल गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 282 पर BSc BEd में करौली मिली है। ठीक है, इनको यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है 282 पर। ठीक है, ध्यान रखना है कि ठीक है जो वो ST कैटेगरी से बिलोंग किया है या फिर SC कैटेगरी के हैं तो उनको यहाँ पर कॉलेज मिल गया है। यहाँ पर देखते हैं मेल ST 380 में फर्स्ट चॉइस मिली है JNU। ठीक है, 380 में फर्स्ट चॉइस तो बिल्कुल अच्छी है, आपके बहुत अच्छे नंबर हैं। और 385 में ST BSc BEd फर्स्ट चॉइस मिल गई है। ठीक है, फर्स्ट चॉइस नहीं मिली लेकिन पुरस्कार कॉलेज इनको मिल गया है। ठीक है, ST BSc BEd। ठीक है, तो इन्होंने कॉलेज भरने में कोई भी प्रॉब्लम कर दी होगी इसलिए इनको नहीं मिले, नंबर तो बढ़िया थे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 386 EWS BEd का यहाँ पर हो चुका है इनका। ठीक है, और ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं पता नहीं। इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं BSc BEd ST कैटेगरी से 330 पर सीकर मिली है। ठीक है, 330 में ST कैटेगरी को यहाँ पर मिली है जो कि फ्रेंड्स BSc कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 343 से जयपुर में कॉलेज इनको यहाँ पर मिल गया है, अंकित मीणा जी हैं और इसको ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है जो बना BSc BEd में 398 MBC कैटेगरी में पुरस्कार कॉलेज जयपुर मिल गया फर्स्ट चॉइस में। ठीक है, तो 310 में अच्छे हैं, इनको 100% मिलना ही था। और BA BEd OBC 361 फर्स्ट चॉइस मिल चुकी हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं OBC में 350 के लगभग जिसके यहाँ पर नंबर आ रहे हैं उनको फर्स्ट चॉइस यहाँ पर मिल रहे हैं होम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 360 पर आपका मनपसंद कॉलेज मिल जाएगा, बिल्कुल 100% मिल जाएगा। और यहाँ पर 371 नंबर में BSc BEd के लिए कॉलेज, ठीक है, बाद मिल डलवान मिले हैं सर। ठीक है, क्या पता BDML कॉलेज होगा शायद। ठीक है, डलवा से यहाँ पर मिला है इनको BSc BEd में और यहाँ पर 371 में, लेकिन इसने कैटेगरी यहाँ पर नहीं बताई है, नई स्ट्रीम बताई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है
यहाँ पर नेक्स्ट आया साइंस से 394 आपको यहाँ पर मार्क्स आए थे, ठीक है, तो इनको भी यहाँ पर 100% मिल गया होगा, ठीक है। और यहाँ पर होम साइंस डिस्ट्रिक्ट में मिल गए, ठीक है, 309 नंबर पर, ठीक है, आर्ट्स ई डब्ल्यू एस में, ध्यान रखना कि आर्ट्स ई डब्ल्यू एस में 309 में होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, और ये मेल कैंडिडेट हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 355 में फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, सेनी है, जो कि फ्रेंड्स ये ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में 355 में कॉलेज यहाँ पर मिल गए हैं, और यहाँ पर 366 में एमबीसी कैटेगरी से थर्ड चॉइस यहाँ पर मिल गई है 366 में, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हैं 448 में फर्स्ट चॉइस मिल गई है, अच्छे नंबर था, आपको यहाँ पर मिलना ही था, ठीक है। और 383 में साइंस से फर्स्ट चॉइस में जनरल से इसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर बड़े जनरल के बहुत ही कम यहाँ पर मैसेज आए हैं, तो जनरल की में आपको यहाँ पर लगभग जो कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर दे सकते हैं 370 से लेकर 390 के बीच में, यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में इनको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉट किया जा रहा है, ठीक है, चाहे वो साइंस से हो, आर्ट्स से हो, किसी से भी बिलोंग करते हो, ठीक है। यहाँ पर 295 में आर्ट्स बीए होम टाउन कॉलेज यहाँ पर मिल गया है, 395 में आर्ट्स से बिल्कुल अच्छा है। और यहाँ पर 389 में यहाँ पर बीएससी साइंस में इनको यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है, इनका मनपसंद का कॉलेज है। और 356 में साइंस है, तो फ्रेंड्स बीएड एससी कैटेगरी में 300 नंबर पर होम डिस्ट्रिक्ट में फोर्थ नंबर की कॉलेज मिल चुकी है, ठीक है। तो एसटी एससी और वाले जो कैंडिडेट हैं, जो कि फ्रेंड्स मैं आर्ट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्ट्स में मैं कट ऑफ बता देता हूँ, आर्ट्स में जो एसटी हैं, एसटी या फिर एससी जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिनके यहाँ पर 270 से लेकर 300 के बीच में यहाँ पर जिसके भी नंबर थे उनको यहाँ पर फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल रहा है, और जिनको यहाँ पर 300 प्लस यहाँ पर नंबर थे उनको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में दिया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जाते हैं सर, यहाँ पर एससी फीमेल आर्ट्स 307 मुझे फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी क्या जयपुर में सेकंड ईयर की, ठीक है, 2 ईयर्स का पूछा गया कि आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है, फर्स्ट चॉइस का तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। 4 ईयर्स में आपको यहाँ पर बीएड एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, 289 हैं और कॉलेज मिल गई सर जी, बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन का टिक है, और यहाँ पर शायद ये ओबीसी में आते हैं का टिक, ठीक है, 289 में आप एससी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कॉलेज मिल गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर 390 में फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है, ठीक है, इन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं बताई है, और 330 बीएड फर्स्ट चॉइस मिल चुकी है 80 कैटेगरी से, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थे एससी और एसटी को यहाँ पर 300 प्लस नंबर हैं जिनके को होम डिस्ट्रिक्ट मिल रहा है, फर्स्ट चॉइस भी मिल रही है। 272 ओबीसी आर्ट्स सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिल जाएगी क्या, ठीक है, सेकंड लिस्ट के बारे में हम अभी एनालाइज करेंगे। 305 में आर्ट्स एसटी में मिली है, 305 आर्ट्स में, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी, 100% आपको यहाँ पर मिली है। और यहाँ पर 306 नंबर पर एमबीसी मेल में, ठीक है, एमबीसी में ध्यान रखना है कि 306 में आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है साइंस वाले कैंडिडेट को। और मुझे साइंस में 327 पर मिल गई, पर दूसरा दूर AWS कैटेगरी से, ठीक है, तो इनको यहाँ पर देखते हैं AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साइंस कैटेगरी से, और यहाँ पर 327 पर इनको कॉलेज मिली है, लेकिन कहाँ पर मिली है, दूर मिली है, ठीक है, ठीक है, तो साइंस से बिलोंग करते हैं इसलिए इनको यहाँ पर दूर भी नहीं, यदि आपके यहाँ पर आर्ट्स से होता तो इनको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर कॉलेज मिल जाता, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 306 नंबर पर एमबीसी मेल पर इनको यहाँ पर कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, और 427 पर फर्स्ट कॉलेज यहाँ पर ओबीसी में मिल चुकी है, और 368 में भी थर्ड कॉलेज इनको यहाँ पर मिली है जो कि एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और एससी में यहाँ रहते हैं 282 पर नॉन कॉलेज यानी कि इनको प्राइवेट कॉलेज मिला है आर्ट्स से, ठीक है, 282 में भी यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। 389 में आपको यहाँ पर थे सुप्र 379 में आपको यहाँ पर जनरल से साइंस से यहाँ पर इनको कॉलेज मिला है। और इसके बाद यहाँ पर पूरी अपडेट मैंने हम बता दी है, ठीक है, जिनको भी यहाँ पर नंबर आए हैं कितने नंबर पर आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर कितने नंबरों पर यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो मैं उनकी यहाँ पर बात करता हूँ जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल से जिनको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में देख सकते हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में 370 से लेकर 390 के बीच में यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, चाहे वो साइंस से हो चाहे आर्ट्स से, ठीक है, आर्ट्स से इसमें आपको यहाँ पर 10 नंबर कम कर सकते हैं, ठीक है, साइंस वालों को इतने नंबर पर आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट पर कॉलेज मिल रहा है। और ऐसे ही आपको यहाँ पर दे सकते हैं
होगी जनरल और साइंस की। इसके बाद आपको यहाँ पर जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आर्ट्स से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आर्ट्स में आप यहाँ पर जो साइंस से कैंडिडेट हैं, साइंस में आपका यहाँ पर यदि देख सकते हैं 350 यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है। 350 में भी आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है, और यहाँ पर यदि 360 प्लस आपके यहाँ पर नंबर हैं तो आपको यहाँ पर होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है आपकी चॉइस के हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नेक्स्ट है, और फ्रेंड्स यहाँ पर जो आर्ट्स से मैंने साइंस की बताई है, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो ओबीसी में, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके बाद यहाँ पर जो ओबीसी से यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ओबीसी में यहाँ पर जो साइंस से बिलोंग करते हैं, इसको यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो 360 से लेकर, ठीक है, 360 से लेकर 370 के बीच में यहाँ पर कॉलेज आपको यहाँ पर अलॉट हो रहा है फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट में भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, या आर्ट्स में आपको यहाँ पर जो साइंस की हमने यहाँ पर बात की, इसके बाद आप यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आर्ट्स से यहाँ पर बिलोंग करते हैं ओबीसी में, आर्ट्स में, तो आपको यहाँ पर जो ओबीसी आर्ट्स वाले कैंडिडेट हैं जिनको यहाँ पर 340 से लेकर 350 के बीच में जिनको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, वो जिनको यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को 330 पर भी मिल रहा है, ठीक है, ओबीसी को, ठीक है। तो ये और राजस्थान से भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिला फर्स्ट लिस्ट में, इनको कॉलेज मिल रहा है जिनके यहाँ पर 320 हो 340 हो, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पर और राजस्थान से कॉलेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर 340 से लेकर 350 के जिसके नंबर हैं उनको यहाँ पर अपनी मनपसंद का अपनी आसपास कॉलेज आपको यहाँ पर अलॉट किए जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जनरल की बात होगी, ठीक है, हमने बात की यहाँ पर देखते हैं जनरल की बात होगी, ओबीसी की यहाँ पर मैंने आपको बता दी है। इसके बाद एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो साइंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी एसटी कैटेगरी में, तो आपकी यहाँ पर जो कट ऑफ है, आपकी यहाँ पर मिनिमम कट ऑफ आप यहाँ पर दे सकते हैं फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर जो 330 से लेकर आपको यहाँ पर दे सकते हैं 340 के बीच में आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर और राजस्थान से आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जिसके यहाँ पर 350 प्लस जिसके नंबर हैं एससी और एसटी साइंस कैटेगरी से, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर 10 से 5 नंबर कर सकते हैं, यही आपकी कट ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ पर 350 जिसके यहाँ पर नंबर आए हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट पर कॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं आपको यहाँ पर जो आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, आर्ट्स में भी आपको यहाँ पर 10 नंबर कम कर सकते हैं क्योंकि इसकी कट ऑफ कम जाती है, ठीक है। और यहाँ बात करते हैं जो फ्रेंड्स एम बी सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एम बी सी कैटेगरी को यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पर बहुत ही कम नंबर पर आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है, जिनको यहाँ पर देख सकते हैं 200 BSc पर यहाँ पर कॉलेज मिला है बहुत सारे स्टूडेंट को और राजस्थान से, इसके बाद यहाँ पर 330 में भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल रहा है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर जिसके यहाँ पर 300 प्लस यहाँ पर नंबर आ रहे हैं उनको एम बी सी कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिला है। EWS में आपको यहाँ पर जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, EWS की आपको यहाँ पर देख सकते हैं 360 प्लस इसके नंबर हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज दिया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ क्या रहने वाली है, इसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं एसटी एससी की बात की जाए तो एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो साइंस से हो चाहे और, ठीक है, चाहे वो आर्ट्स से, ठीक हो, तो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको आपको यहाँ पर जो सेकंड लिस्ट है, सेकंड लिस्ट में आपको यहाँ पर 330 से लेकर 340 के बीच में आपका नंबर है, ठीक है, तो आपको 100% कॉलेज मिल जाएगा। ये साइंस वाले कैंडिडेट, ठीक है, मैं साइंस की बता रहा हूँ, साइंस वाले कैंडिडेट के इतने नंबर हैं तो मिल जाएगा, ठीक है, सेकंड लिस्ट में। इसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो आर्ट्स से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, आर्ट्स में यदि आपको यहाँ पर देख सकते हैं 300 से आपको यहाँ पर जो 260 प्लस यहाँ पर नंबर हैं, जिसके यहाँ पर 260 प्लस नंबर हैं उनको कॉलेज मिल जाएगा यदि आपने कॉलेज सही से फिलअप किए हैं तो, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखते हैं जो आपकी यहाँ पर जो एसटी एससी की बात कर दी, जनरल की बात की जाए, जनरल कैटेगरी से आप यहाँ पर जो भी बिलोंग करते हैं, जनरल में आपको यहाँ पर 350 जिसके भी यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, जनरल साइंस से हो पर आर्ट से हो, ठीक है, साइंस से हो या फिर आपको यहाँ पर नॉर्मल हो, ठीक है, तो ये से कैंडिडेट हैं जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 जिसके यहाँ पर नंबर आ रहे हैं उनको यहाँ पर सेकंड लिस्ट में कॉलेज 100% अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की हमने बात की, यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आपको यहाँ पर 340 से, ठीक है, 340 से लेकर
345 के बीच में आपको यहाँ पर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर 100% आपको कॉलेज मिल जाएगा। और कम से कम ओबीसी कैटेगरी के आपको यहाँ पर दे सकते हैं, ओबीसी कैटेगरी को बहुत सारे स्टूडेंट को 282 पर भी और राजस्थान पर कॉलेज मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको यहाँ पर 330 में, जिसका भी यहाँ पर है, 330 में भी आपको यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है सेकेंड लिस्ट में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एमबीसी ईडब्ल्यूएस की भी लगभग इतनी ही आपको यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली है, ओबीसी के लगभग सेम ही आपके यहाँ पर कट ऑफ रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड लिस्ट कब आएगी, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेकंड लिस्ट है जब भी आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जो अपर मोमेंट का रिजल्ट है उसी रिजल्ट के साथ आपका सेकंड लिस्ट जारी की जाती है, ठीक है। तो अपर मोमेंट के रिजल्ट आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर दे रखा है, इस दिन के आपको यहाँ पर आने वाली है। तो फ्रेंड्स वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और फ्रेंड्स यदि आपने आपके नंबर यहां पर शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने नंबर जरूर शेयर करिएगा, ताकि आप ऑफिशियल जो कट ऑफ है वो आपको बता सके। जितना अधिक आप नंबर शेयर करेंगे उतनी अच्छी कट ऑफ हम आपको यहां पर बता पाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, ताकि आपको पीटीटी से रिलेटेड हर एक प्रकार के ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।